साथियों, गंगा जी की स्वच्छता और निर्मलता हर बिहार निवासी के दिल के बहुत करीब रही है। जब छठी मैया की पूजा के दौरान गंगा जी के किनारे हजारों हजार महिलाओं की भीड़ जुड़ती है, तो उनकी सबसे बड़ी जरूरत होती है साफ गंगा जी का पानी, साफ स्वच्छ पानी। गंगा जी के पानी को स्वच्छ करने के लिए बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उसका असर आप भी देख रहे हैं। गंगा जी में गिरने वाला गंदा पानी साफ हो, पानी की सफाई हो, इसके लिए आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। गंगा जी पर देश का पहला नदी जलमार्ग, हल्दिया से बनारस तक तो पहले ही से ही शुरू हो चुका है। आप मुझे बताइए भाइयों, ये मोदी के आने के बाद हमारी गंगा मैया बहना शुरू हुआ है? जरा बोलिए ना, ये मोदी के आने से पहले भी गंगा मैया ठीक नहीं थी? पानी बह रहा था कि नहीं बह रहा था? क्या उसके अंदर ये जहाज चला करके व्यापार हो सकता था कि नहीं हो सकता था? लेकिन पहले ऐसे लोग बैठे थे कि उनको गंगा मैया की ताकत की समझ नहीं थी। ये आपका बेटा ऐसा बैठा है कि उसको गंगा मैया की भी ताकत का पता। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ बिहार को मिले, इसके लिए भी काम चल रहा है। यहां कल्लू घाट पर कार्गो टर्मिनल के निर्माण का काम जारी है। इसका काम पूरा हो जाने पर किसानों को, व्यापारियों को सामान भेजने में बहुत मदद मिलने वाली है। मेरे बनारस तक आसानी से आप अपना माल सामान जाकर के बेचोगे। और मोदी जी इस बनारस से जीत के आया है ना, वहां के लोगों का भी भला आप लोग करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, आज बिहार के गांव, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से कनेक्ट हो रहे हैं। अगर नियत होती, इच्छा शक्ति होती, तो ये काम डेढ़ दशक पहले भी हो सकते थे। आज के नौजवान को खुद से पूछना चाहिए कि बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो बिहार के लिए इतनी जरूरी थी, वो बरसों तक क्यों अटकी रही? बिहार के पास सामर्थ्य तब भी भरपूर था, सरकारों के पास पैसा तब भी पर्याप्त था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब बिहार में जंगल राज था। पुल बनाने के लिए कौन काम करेगा जब इंजीनियर सुरक्षित नहीं हो? कौन सड़क बनाएगा जब ठेकेदार की जान 2400 घंटे खतरे में हो? साथियों, किसी कंपनी को अगर कोई काम मिलता भी था, तो वो यहां काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचती थी, फिरौती पहले पक्की करनी पड़ती थी। ये है जंगल राज के दिनों की सच्चाई, ये है जंगल राज के प्रतीकों की सच्चाई।